Welcome kids, Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am also fine. Today I am here with something new for you. I have some pictures for you, colorful pictures. So are you ready? So let's see the pictures. Our first picture is, this is dip. इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ब्रश है, वी हैव अ ब्रश ओवर हेयर, और वो किसी लिक्विड में, किसी पानी वगैरह में जो है वो डिप हुआ हुआ है, ठीक है? और ये ब्रश है, तो हम इससे पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, आपको पता है ना? तो आपको डिप से क्या समझ में आता है? देखें, मैं बताती हूँ आपको. जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं, है ना, घर में, तो हम साथ में स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम बिस्किट्स को डिप करते हैं टी में, और फिर हम उसको इंजॉय करते हैं, तो वो भी हम डिप करते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी डिप कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ में डुबोना किसी चीज़ को. ऑलराइट, सो द वर्ड इज डिप. डिप. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर, विच इज अ जिप. अब यहाँ पर जिप बनी हुई है. अच्छा, जिप तो आपको पता है, सबको, आपकी जैकेट्स में होती है, अक्सर आपने पाउचेस में, बॉक्सेस में देखी होगी, है ना? तो और जो स्लीपिंग बैग्स वगैरह होते हैं उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जिप्स लगी होती हैं, है ना, जो आपके जिपर्स होते हैं. तो और जिप से तो आप अक्सर कभी कभी आप खेलते भी हैं ना, इंजॉय करते हैं, मामा मना करती हैं, नहीं करो बेटा, ख़राब हो जाएगी, है ना? तो ये वही जिप है. ऑलराइट, सो हियर इज द वर्ड जिप. जिप. Now move on to the next picture. Now let's see what we have. We have a slice of watermelon. ये तो एक watermelon बना हुआ है. और ये क्या, इसमें arrow बना हुआ है. यहाँ पे ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये जो आपको आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, जिन्हें हम सीड्स कहते हैं, बीज होते हैं ना, हम निकाल देते हैं, नहीं खाते हैं इनको, तो ये सीड्स को आप डिफाइन कर रहा है. यहाँ पर जो है वो जो सीड्स बने हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं वैसे? पिप. सो द वर्ड इज पिप. पिप. ये जो आपके फ्रूट्स के अंदर ये जो बना होता है ना, इसको हम पिप बोलते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, विच इज लिप. हैज यू ऑल नो, यू ऑल्सो हैव लिप, आई ऑल्सो हैव लिप, है ना? आपको सबको पता है लिप का मतलब क्या होता है ना? लिप तो होंठों को कहते हैं. तो यहाँ पर एरो भी बना हुआ है हमें बताने के लिए कि दिस इज कॉल्ड लिप. सो इट इज वेरी इजी फॉर यू, है ना? तो द वर्ड इज लिप. लिप. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ. अब क्या बना हुआ आ गया हमारे पास? यस, दिस इज अ पेंसिल. ये तो आपको सबको पता है, इससे तो हम बड़े मज़े से लिखते हैं, नीट राइटिंग करते हैं, है ना? तो आप सबके पास होती है पेंसिल, और अभी जो है वो आपके घर में भी कहीं ना कहीं होगी ये पेंसिल, है ना, कि बहन भाइयों के पास आप यूज़ करते होंगे. सो यहाँ पर एक यहाँ पर टिप बनी हुई है आगे इसकी, है ना, नोक बनी हुई है. तो इस नोक को क्या कहते हैं पता है आपको? इस नोक को कहते हैं टिप. देखें, एरो भी दिया हुआ उन्होंने, राइट? इसका मतलब हमने इसके बारे में पढ़ना है, विच इज कॉल्ड टिप. टिप. सो द वर्ड इज टिप. ओके, नाउ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, व्हाट इज टिप, जिप, पिप, लिप, टिप, सब समझ में आ गया आपके. अब हम ऐसा ही कोई काम अपनी वर्ड बुक में करते हैं. सो वे आर यू रेडी टू डू द वर्क? अब हम कोई आसान सा काम करने वाले हैं मज़े का. तो अपनी बुक निकाल लीजिए, टेक आउट योर प्रेयर वन फोनिक्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 51. नाउ लुक ओवर हियर किड्स, वी हैव द सेम पिक्चर्स. हमारे पास ये तो वही पिक्चर्स बनी हुई आ गई है ना, और कुछ आइकन्स भी दिए हुए हैं हमेशा की तरह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द आइकन्स. फर्स्ट वन इज रीड, सेकेंड इज कलर. सो वी हैव टू रीड सम वर्ड्स एंड देन कलर समथिंग ऑन दिस पेज. सो देन वी आर गोइंग टू राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स आ रही हैं. दिस इज डिप.
Now you all know what is dip. Dip means jibona. Okay. This is called zip. Zip. Now pip. Tip. Next is lip. Lip. And the last picture we have is tip. Tip. Okay, now अब हमें पता चल गया कि इन सब वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं और इनके क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इनके. अब हम क्या करने वाले हैं, एज यूजल वी आर गोइंग टू कलर द पिक्चर्स एंड यू शुड रिमेम्बर हाउ टू कलर अप एंड डाउन मोशन. वेरी नाइस, यू आर स्मार्ट. Now this work is done over here. क्योंकि हमने read भी कर लिया और color भी कर लिया. Now अपनी मामा या किसी बड़े के पास जाएं और उनको अपना ये काम दिखाएं आपने कितना neatly किया है, और उनको भी read करके दिखाएगा कि you can read it now. Okay, I'm glad you can read it now. So put this book in your backpack now. आज के लिए बस इतना ही था. Till then, take care. Allah Hafiz.